काका साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ईशान, ईशान सर, वो ब्रांच पे मैम ने मीटिंग के लिए हम दोनों को स्टाफ रूम में बुलाया। ओके, लेट्स गो। पार्टी के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे ना, ले आए। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन रीवा एंड ईशान भोसले। ओ शुक्र जी, ध्यान कहाँ पे है? खाने का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, वो कैगेट वहाँ पे जाके रखिए फटाफट। सर सर, राम 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 राम। फटाफट करिए थोड़ा। सर सर सर, बोलिए सर। सर ये सब क्या हो रहा है सर? क्या सबका दिमाग खराब हो गया है क्या सर? शुक्ला जी, क्या बोल रहे हैं आप? जबान संभाल कर बात कीजिए। नहीं नहीं सर, गलती से निकल गया सर, गलती से निकल गया सर। सर लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं सर? ईशान सर का ब्याह रीवा मैडम से नहीं हुआ है, सभी मैडम से हुआ है। शुक्ला जी, सुबह सुबह चढ़ा कर आए हैं क्या आप? हाँ हम बहुत सही बोल रहे हैं सर, इसी बात के लिए तो वहाँ कैंटीन में बहुत बड़ा बवाल हो गया सर। हम तो वहीं से आ रहे हैं सर, आप इस बात से अनजान कैसे हैं? आप तो भोसले परिवार के बहुत करीबी हैं सर। हाँ शुक्ला जी, पर मैं छुट्टी पे था, मुझे इनविटेशन मिला था पर मैं जा नहीं पाया, और मुझे लगा शादी हो गई होगी। शुक्ला जी क्लियरली बताइए, ईशान सर की शादी तो रीवा मैम के साथ होने वाली थी, ये सभी बीच में कहां से आ गई? और ये है कौन? सावी, सावी चौहान सर, वो फाइनल ईयर की विद्यार्थी है ना सर। फाइनल ईयर? जी जी जी। झूठ तो नहीं बोल रहे सर? अम्मा कसम सर, हम सच बोल रहे हैं सर। सर हमारा बात मानिए, जितना है तामझाम सब सब हटा दीजिए सर। सर बहुत बड़ा बवाल हुआ है वहां कैंटीन में, हम अपनी आंखों से देख के अभी आए हैं सर। अगर ईशान सर यहां आ गए, ईशान सर ने ये सब देख लिया तो सीधा तांडव करने लग जाएंगे सर। Come on guys, come on, जल्दी करो, ईशान सर और रीवा मैडम आते ही होंगे। अरे सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब बलून, ये सब गेट्स वगैरह हटाओ। ईशान सर के आने से पहले ये रूम सेम टू सेम वैसा होना चाहिए जैसा ही पहले था। अरे शर्मा जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं और इतना घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? क्या हम लोग गलत टाइम पे आ गए क्या? पर आपने तो बुलाया था, तो बताइए एजेंडा क्या है? हाँ सर, वो बुलाया था। अरे आप लोग इतना चुप क्यों हैं? कुछ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना था क्या? हाँ सर, वो दरअसल वो मैं कह रही थी कि आप बहुत दिन से कॉलेज भी नहीं आए और रीवा मैम भी छुट्टी पर थी, तो मैं सोच रही थी अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने चाहिए, है ना? एक्स्ट्रा लेक्चर्स तो पहले से चल रहे हैं, वो तुमने पहले डिसाइड कर रखा था, तो उसमें नई बात क्या है? और अब तो मैं भी आ चुका हूँ, इसके अलावा कुछ बात करनी थी आप लोगों को? नहीं सर, और कुछ बात नहीं करनी थी, बस बाकी क्लासेस सही चल रही हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस खत्म होने वाला है, बस आप ही के सब्जेक्ट का चाहता सर। हाँ वो मैं अपने सब्जेक्ट्स हैंडल कर लूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, जितना भी सिलेबस बचा हुआ है वो मैं टाइम से पहले खत्म कर दूंगा। ओके जी सर। सी यू गाइस। गुड डे सर।